वेलकम बैक टू सूर्याचार्य एकेडमी, दिस इज ज्ञानेश्वरन। एंड आज अपना सेकंड वीडियो है जो कि फिक्सिंग वीडियो है अपना। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक है और अपना लिम्स है। तो पहले सब कवर्स हम हटा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कवर्स है एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर वार्निंग बोल के यहाँ पे कवर है। ये पूरे निकाल लेते हैं, क्लिप भी है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे फिक्स करना है। ज्वाइन करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्लिप भी यहाँ पे लगा चुका हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो क्लियरली। स्ट्रिंग स्लाइडिंग केबल है, इसे हम इसमें करना है। एक मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्लिप इंपॉर्टेंट है, आप हर क्रॉसबो में चेक कर लेना। जब भी आप क्रॉसबो ऑर्डर करते हो तो ये क्लिप डेफिनेटली उसमें रहना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग पे ये स्ट्रिंग डैम्पिंग सिस्टम है, स्ट्रिंग डैम्पर्स बोलते हैं इसे। एंड यहाँ पे अपन को लिम्स डैम्पर नहीं मिला है, फिर भी मेरे पास एक्सटर्नल लिम डैम्पर से मैं ज्वाइन कर दूंगा उससे। और चलो, तो यहाँ पे आपको और एक बात बताना भूल गया मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेन होल है इसमें, और यहाँ पे दो होल्स है, आपको अगर क्लियरली दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं मुझे। तो इसमें अपन मेन स्टॉक को अटैच करना होता है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग सेपरेटिंग केबल मैंने लगा चुका हूँ, ताकि कोई हेल्प करने वाला नहीं था इसलिए मैं आपको ये बता नहीं चुका हूँ। बताना थोड़ा मुश्किल हो गया था मुझे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, ये दो भी स्ट्रिंग सेपरेटिंग केबल है। अगर आप इधर से भी मैं बता सकता हूँ, ये देख लेना। एंड ये फिक्स हो चुका है, बहुत ईजी है। आप मैनुअल पढ़ के भी ये कर सकते हो, अपना मैनुअल में सब कुछ दे रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो विल बी गेटिंग 3 स्क्रूज, क्योंकि आपको क्लियरली मैं बताता हूँ। तो ये दो भी हेड स्क्रूज है बड़े वाले, एंड ये छोटा वाला नीचे से लगाना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसे ओवर टाइट नहीं करना, आप देख लेना, लाइक ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा एंड दो होल्स रहते हैं, आपको कोशिश करता हूँ मैं बताना कम्प्लीटली क्लियरली। एंड यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, तो इसी में हम ए फिक्स करना होता है लाइक दिस। एंड इसे हम फिक्स करना होता है यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। तो चेक कर लेना आप बराबर है या नहीं है, मेन स्क्रूस है ये तो। एंड उसके बाद में एलेंस की इसका ज़रूरी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो भी होल है इसमें ए स्क्रू लगेगा, मैं ये स्क्रू एलन की से फिक्स कर दूंगा। पहले इसे थोड़ा सा ये करके, और उसके बाद में एलन की अपने पास है, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा टाइटिंग का वीडियो, क्योंकि ताकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो टाइट करके मैं आपको बताऊंगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्क्रू था, मैंने टाइट कर चुका हूँ एंड इट इज़ वेरी टाइट, और ज़्यादा भी टाइट नहीं करना। एंड आपको यहाँ पे दो हेड स्क्रूज दिख रहे होंगे, मैंने जस्ट प्लेस कर चुका हूँ, और इसे भी हम एलन की से कंप्लीट नीचे तक टाइट कर लेना चाहिए। और इसे भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता है, मैं ये टाइट करके आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये स्क्रूज कम्प्लीटली टाइट कर चुका हूँ। फुटरेस्ट टाइट करना है, फुटरेस्ट लगाना है, तो चलो वो भी लगा लेते हैं। आप देख सकते हो इस होल में अपन फुटरेस्ट लगाना होता है ऐसा, तो उसके बाद में ये नट्स को टाइट करना होता है। आपको बहुत इजी है, इसे उतना बताना ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो, इसे निकाल भी सकते हो और ऐसे ही लगा भी सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो फुटरेस्ट बहुत अच्छा सा फिक्स हो चुका है। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाइवर है, क्वाइवर हम फिक्स कर लेते हैं। पहले इसे कट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्वाइवर मैंने बाहर निकाल लिया, और ये प्लास्टिक का है, बहुत अच्छा सा है। यहाँ पे आपको ब्रॉडेट्स का भी होल्स मार्किंग है, एंड इसमें और एक बॉक्स है और एक और है, सॉरी। एंड इसे भी देख लेते हैं, एंड ओके। तो यहाँ पे आपको पिकाटिनी रेल दिखेगा, इसे पिकाटिनी रेल बोल के बोलते हैं, और इसमें से हम क्लिप्स निकाल लेना पड़ता है।
कोर में क्लिप्स आ चुके हैं और ये एक क्लिप है एंड यहाँ पे और एक क्लिप है और स्क्रूज भी है। मैं पूरे बाहर निकाल के रख लेता हूँ। एंड हाउ टू माउंट क्वाइवर, क्वाइवर कैसे माउंट करना बोल के यहाँ पे आपको एक पेपर दे चुका है, क्वाइवर इंस्ट्रक्शन बोल के आप देख सकते हो कैसे फिक्स करना है एंड स्क्रूज आपको कैसे फिक्स लगाना है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दे चुका है। तो हम अभी यहाँ पे बड़ा वाला क्लिप ले लेते हैं, डायरेक्ट अपन पिकाटिनी रेल पे माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिकाटिनी रेल पे अपन ऐसे माउंट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूँ, करीब क्लोज लेना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे आपको स्क्रूज दिखेंगे, स्क्रूज यहाँ पे है, ये स्क्रूज हम इसमें फिक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बकेट अपन फिक्स कर चुके हैं और इसके बाद में बहुत इजी है क्वाइवर माउंट करना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी रेल है इसमें साइड माउंट साइड क्वाइवर माउंट हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे आपको ये रहेगा और इसे हम इसमें से अंदर करना होता है, ओके लाइक दिस। एंड इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिप क्लोज करना होता है, तो ये हिलेगा नहीं। यहाँ पे अभी अपन टाइट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड क्वाइवर माउंट हो चुका है, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा लाइक दिस। एंड यहाँ पे आप अपने हाथ में देख सकते हो 4x स्कोप है, ये भी अपन सिंपली हाथ से टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रूज दे रखा है, आप देख सकते हो ये पिकाटिनी रेल पे फिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्कोप अच्छा सा माउंट हो चुका है एंड इट्स ऑल रेडी टू गो। और इसके बाद में अपने पायल ड्राइवर एरोस है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो दिस आर द पायल ड्राइवर एरोस विथ स्क्रूएबल पॉइंट्स, फील्ड पॉइंट्स है, ये स्क्रू कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप ब्रॉड हेड्स भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड आपको फिर से बता रहा हूँ ये ब्रॉड हेड्स आपको बॉक्स में नहीं आएगा, ये सेपरेटली खरीदना पड़ता है। एंड ए मैक्सिमल आर्चरी गियर बोल के वो कंपनी के है, मैक्सिमल आर्चरी के ब्रॉड हेड्स है, बहुत अच्छे से है, बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल भी है, ब्लैक कलर, कंप्लीट ब्लैक कार्बन फिनिश है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेड इन PRC। तो फिक्स होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे और एक बो है, मिनी क्रॉस बो है, मेरा फेवरेट है ये एंड बहुत अच्छा सा है ये भी, ये रिसेंटली मैं ला चुका हूँ। अगर इसका भी वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, फिक्सिंग भी है, शूटिंग भी है। एंड दिस इज़ पिस्टल क्रॉस बो और यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली, मैं एक बार कम्प्लीट वॉक थ्रू वीडियो बना दूंगा। अपना क्रॉसबो अनबॉक्सिंग वीडियो आप यहाँ पे मेरे हाथ में भी देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है एंड कल इसका शूटिंग वीडियो बनने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।